क्या इसमें दाल है? कितने सिटी में होगा? 8 सिटी में। अरे महाराज शांत होंगे दोस्तों, हम जब अकेले रहा करते थे तो 3 सिटी में दाल बनाते थे। मैडम जब से आई हैं 7-8 सीटियाँ लग जाती हैं, उतारती हैं नहीं, बुझाती हैं नहीं, पता नहीं क्या करती हैं क्या बनाती हैं, फिर भी दाल इतना बड़ा बड़ा रह जाता है। बात है भतीजा कह रहा है इसमें चावल रखा हुआ है, 7 सीटियाँ हो चुकी हैं, अभी कितनी सीटी लगेंगी पता नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों सुबह का वक्त है, नहा चुके हैं? वाह क्या बात है। दोस्तों अभी हम सो के उठ रहे हैं, मैडम हमारी नहा धो के तैयार हो गई हैं, बाल बाल झाड़ रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, हम अभी सोकर उठे हैं, ब्रश किए हैं, सोच रहे हैं कि हम भी नहा लें और कुछ चाय नाश्ता कर लें। टाइम 6:30 बज गए, काफ़ी लेट हो जा रहा है, जग नहीं पा रहे हैं जल्दी, मैडम जगाती नहीं है। कहाँ जगाती हैं, मन से नहीं जगाती हैं ना। इधर देखिए, हाय हेलो, नहीं मैंने देख रही, मैंने देख रही। कुछ बन रहा है चाय वाय? बन गया दोस्तों, किचन में चाय रखा हुआ है, ये इसमें दाल है, इसमें चाय बन रही है। ये तो बुझ गया है, बुझ गया है, बन गया। ये भतीजा है छोटा हमारा, नीम का दातुन कर रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आप सभी लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। दोस्तों हमेशा की तरह आज भी हम एक वीडियो, आज इस वीडियो में एक गाना गुनगुनाने वाले हैं। आज कौन सा गाना गाएं जरा देखें एक मिनट। वाह क्या बात है, दोस्तों एक गाना हम गुनगुनाने जा रहे हैं मेरी मैडम जी के लिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। दोस्तों कुकर 3-4 सीटी दे चुका है, क्या इसमें दाल है? कितने सीटी में होगा? 8 सीटी में। महाराज शांत होंगे दोस्तों, हम जब अकेले रहा करते थे तो 3 सीटी में दाल बनाते थे, मैडम जब से आई हैं 7-8 सीटियाँ लग जाती हैं, उतारती हैं नहीं, बुझाती हैं नहीं, पता नहीं क्या करती हैं क्या बनाती हैं, फिर भी दाल इतना बड़ा बड़ा रह जाता है। बात है भतीजा कह रहा है इसमें चावल रखा हुआ है, 7 सीटियाँ हो चुकी हैं, अभी कितनी सीटी लगेंगी पता नहीं। हम तो 1 सीटी में चावल और 3 सीटी में दाल को बनाते थे, अच्छा खासा बन जाता था, दाल का रायता बन जाता था। देखिए 8 सीटी लग चुकी है, 7 लग चुका है, 8वां लगने वाला है, फिर भी दाल इतना बड़ा बड़ा रहता है, पता नहीं क्या कर देती है इसमें। फिर देखिए तो इसमें क्या है,
बुझ गया कब होएगा दाल कितनी सीटी होती है तीन सीटी में और आठ लग चुका है अभी दो लगे हैं बक चार तो हम ही देख चुके हैं उसके पहले पता नहीं कितना लगा था। दोस्तों दाल कम से कम 10 से 15 मिनट बहुत है काफ़ी है लेकिन आधे घंटे से रखा हुआ है 5:50 पे रखा हुआ है इसमें 6:35 हो रहा है दोस्तों अभी कमेंट करके बताइए अगर खाना बनाते होंगे तो कुकर में अगर दाल रखते हैं तो कितनी सीटियाँ लगती है कि दाल हो जाती है बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कुछ लाइए नाश्ता पानी कुछ किया जाए। दोस्तों हमारा किचन काफ़ी बड़ा था कितना बड़ा दोस्तों किचन है कि इससे छोटा तो हमारा बेडरूम है हाँ किचन से भी छोटा हम लोग का रूम है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम किचन में ही बनाते हैं क्या करें दोस्तों काफ़ी छोटा कमरा है मज़ा नहीं आता वहाँ वीडियो बनाने में। कुछ देंगे खाने पीने को क्या दाल तो हो गया अब क्या बनेगा चावल क्या बनेगा सब्जी कौन सी बनेगी कुंदरू आलू देखते हैं दोस्तों फ्रिज में क्या क्या रखा हुआ है इसमें तो कुछ है ही नहीं परवर है कुंदरू है जामुन रखा हुआ है इसको कब खाया जाएगा दोस्तों यह जामुन फ्रिज में रखा हुआ है अगर आप लोग को भी खाना है तो आ जाइए वाह वाह क्या बात है मज़ा आ गया दोस्तों देखिए जामुन इस साल अभी बारिश नहीं हुई है इसलिए अच्छे से पका नहीं है फिर तो बिल्कुल काला हो जाता है एकदम बड़ा बड़ा लेकिन बारिश न होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी है इसलिए छोटा छोटा ही रह गया जल्दी से पक नहीं रहा है मज़ा नहीं आ रहा है खाने में लेकिन फिर भी अच्छा है जामुन दोस्तों खाने शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा होता है फायदेमंद होता है क्या बन वीडियो बनाना इतने हमारे फॉलोअर हैं इधर रहे लोग वीडियो के लिए आप कहते हैं वीडियो बंद कर दीजिए कहाँ नाश्ता है ये जामुन खाइए नहीं खाना क्यों मुझे जामुन बहुत मज़ा आता है बात है दोस्तों आजकल मॉडर्न ज़माना हो गया है सब्जियां तो मशीन से कट रही हैं फिलहाल हर कोई मशीन से नहीं काट रहा क्योंकि चाकू से तो हर कोई काटता ही है लेकिन यहाँ पे देखिए पुराने ख्यालात के लोग ये देखिए क्या है कहाँ गया 500 दोस्तों 500 कह रही हैं 500 है 500 से काट रही हैं 500 तो हम नहीं जानते थे ये क्या है हंसिया है हंसुआ हमारे क्या भोजपुरी में कहेगा हंसुआ। देखिए दोस्तों कौन सी सब्जी इसका नाम बताइए दोस्तों आप लोग क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये क्या चीज़ है ये किस चीज़ की सब्जी है और किससे काटा जा रहा है। देखिए मैडम जी हमारी हैं काट रही हैं किस चीज़ से लोग चाकू से काटते हैं मुझे पता नहीं कौन सा हथियार लाई हैं उसी से काट रही हैं हम तो इससे सबसे पहले अपना उंगली ही काट लें सब्जी कैसे कटेगी पता नहीं अभी इतना फास्ट काट रही हैं थोड़ा स्लो काटिए ताकि उंगली कटे तो थोड़ा सा ही कटे इस तरह से काट के अलग कर देंगी दोस्त रो रही हैं कह रहे मम्मी क्या क्या मम्मी बुला रही हैं मम्मी क्या करेंगी चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बाय 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 जल्द बंद करें ना